अच्छी चीजें आगे निकल के चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी चीजें लेके आए हैं और एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन अभी जो एक हम बिल्कुल नई चीज लेके आए हैं लाइफ कोच, जैसे संस्कारों की हम बात है ना, तो वही बात होगी कि आज हर कोई चाहता है कि हम समाज में दोबारा से उन वैल्यूज को लेकर आए, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फैमिली स्ट्रक्चर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हम दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, डेवलपमेंट में तो आगे निकल गए हैं, लेकिन वैल्यूज से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बैक टू रूट्स जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम हेल्थ में भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी हेल्थ जो हमारे पहले एंसेस्टर्स की थी उनकी ज्यादा थी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जनरेशन में तो हम देख रहे हैं कि उनकी हेल्थ नीचे जा रही है। आज हम देख पा रहे हैं कि 8, 10, 15 साल के बच्चे भी बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा रीजन है और उनकी लाइफ स्टाइल भी रीजन है, उनकी फूड हैबिट्स भी रीजन है और इतनी सारी चीजें देख के मतलब 35 तक पहुंचते पहुंचते काफी बीमारियां लग जाती है। 35 तक तो बहुत कुछ, जबकि पहले हम देखते थे 50, 60, 70 तक की लोग बहुत सारे अच्छे थे। मुझे खुद मेरी नानी थी, नानी 90 के अब भी गई हो। तो ये जो डिजनरेशन हुआ है कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है क्योंकि अवेयरनेस नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि लोग जान बुझ के नीचे जाना चाहते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कौन करेगा समाज में, उसके लिए हमें लगा कि हमें पहल करनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जहाँ हम ये चीजें सिखाएं और वो लोग जाके दुनिया में जिसको हम आज कहते हैं लाइफ कोच, आने वाले टाइम का बहुत बड़ा करियर है लाइफ कोच। आज सब लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा बीटेक कर ले, मेरा बच्चा एमबीबीएस कर ले, मेरा बच्चा सीए बन जाए, लेकिन उन चीजों की स्कोप था पहले। आज अगर आप देखेंगे बीटेक को क्या जॉब है, बहुत कम ही बच्चे हैं जो अच्छी जॉब पाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ कोच है उनका जो फील्ड है वो एजुकेशन में भी है, वो वेलनेस की फील्ड में भी है। आज एवरीवेयर यू नीड अ लाइफ कोच, क्योंकि वेलनेस कोच होते हैं, एजुकेशन में पेरेंटिंग कोच होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल टीचर्स पेरेंट्स सबको अवेयरनेस की जरूरत है, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि कई चीजें हम मिस करते जा रहे हैं आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं। तो आज हमने वो करिकुलम डिजाइन किया है यूथ के लिए जिसमें 1 ईयर का हम लोग का कोर्स करते हैं और वही मुकेश जी के साथ टाइप किया है हमने स्पेशली, यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि मुकेश जी भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एजुकेशन बार नहीं रखे, अगर वो 12th पास नहीं भी है तो भी वो ज्वाइन कर सकता है और ग्रेजुएट है कुछ भी है वो स्ट्रगल कर रहा है कि कहाँ पे अपनी जॉब ढूंढूँ, कहाँ पे जाके अपना करियर बनाऊँ। तो आप अगर नेट पर देखेंगे तो आपको मिलेगा ये कि लाइफ कोच बहुत ही बड़ा करियर है पूरे वर्ल्ड में। आज आप जितने भी बड़े बड़े नाम सुनते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे दीपक चोपड़ा हो, चाहे जयश्री कुमार हो, बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे फॉरेनर्स, टॉमी रॉबिन्स हो, जो बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक है, वो सब लाइफ कोचेस हैं। तो एक बहुत ब्राइट करियर है जिसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप वेलनेस के मास्टर हैं तो आप वेलनेस कोच हो सकते हैं। हमने बहुत अलग अलग तरीके के लाइफ कोचेस डिजाइन करे, जैसे R&D कोच, इंडियन एथिक्स के ऊपर R&D करेंगे, इंडियन जो भी हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके ऊपर R&D करेंगे, दे विल डू रिसर्च ऑन कॉस्मिक एनर्जी साइंसेस, दे विल डू रिसर्च ऑन स्पिरिचुअल साइंसेस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम लोग की डिमांड है। आज कोई भी कोच अगर इन चीज़ों को लेकर डॉक्टर पेशेंट्स में जाता है तो उसको बहुत बहुत पैसा मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। तो अगर कोई बच्चे आज अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ब्राइट करियर है, हो सकता है इंजीनियरिंग करने के बाद तो 4 साल बाद वो 4 साल बाद ही बहुत मुश्किल है अब्रॉड जाना, फिर टेक्निकली बहुत सामने तभी जा सकता है। लेकिन लाइफ कोच 1 ईयर के प्रोग्राम के बाद तो आपको 1 से 2 साल एक्सपीरियंस लेके भी वो अब्रॉड जा सकता है, क्योंकि उसका कंटेंट अगर यूनिक है यू कैन गो। तो यहाँ पर से यही बताने के लिए अवेयरनेस के लिए है कि बहुत सारे ऐसे करियर्स अभी आ गए हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी हम बच्चों को दे सकते हैं आने वाले टाइम में और बहुत ब्राइट फ्यूचर वो लोग अपना बना सकते हैं। हमारी साइंसेस को लेके, हमारी मेडिकल साइंसेस को लेके वो पूरे विश्व स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी सारे लोगों को अवेयर कर सकते हैं।
सब कुछ दूर हो चुके हैं, बच्चे दूर हो चुके हैं, और इसलिए आज हम सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं हम सबके। तो हम लोगों ने इस तरीके का एक कोर्स सीखा है, मुकेश जी पूरा इसको देख रहे हैं, तो जो लोग भी इसके बारे में डिटेल्स लेना चाहें तो मुकेश जी के साथ वो पूछ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, इवन अपनी हमारे यहाँ पे भी मिलने आ सकते हैं। मुकेश जी को यहाँ पर टाइप किया है हमने, और वो पूरा क्योंकि संस्कारों की बात होती है, तो ये भी पहल है हमारी कि संसार में दोबारा से संस्कार, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, साइंसेस, हमारी वैदिक साइंसेस को हम ला पाए, और उसके लिए जो आज की जनरेशन है वो एक ब्राइट जगह भी बना रहा है। गुड डिग्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे, ये ना सोचे कि जैसे अगर आप बीटेक से कंपेयर करें तो वहाँ कोई 5-6 लाख लगाने के बाद, 4 साल के बाद एज अ फ्रेशर 8-10-15 हज़ार की जॉब पे जॉइन करता है, और यहाँ 1 ईयर का लाइफ कोर्स करने के बाद मुश्किल से 1.5 लाख रुपये लगाएगा, 1 ईयर का लाइफ कोर्स करेगा, उसके बाद 15-20 हज़ार एट ए टाइम कमाता है 1 साल के बाद, और 2-3 साल उसको एक्सपीरियंस लगेगा, जैसे 4 साल उसके साथ ही उसको पढ़ाई करेंगे ग्रेजुएशन की, तब तक इसको 3 साल से एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ये 50,000 कमा रहा है। बहुत बड़ा करियर है और बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। आप लोग इस सोसाइटी में जाके बताइए कि लोग इस करियर में अपना फ्यूचर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो लोगों को गाइड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक ग्लैमरस फील्ड है, और बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं डिग्रीज के अलावा भी। तो इसके लिए बस यहाँ पर एक अवेयरनेस के लिए मैं आई थी, बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में आई।